चल बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का न्यू बैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक डेमो क्लास है चैप्टर 1 का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, मतलब यहाँ पे जो चार्ज मूव नहीं करेगा। तो जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो रेस्ट की बात करेंगे, मतलब चार्ज एट रेस्ट की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद, अब बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में पढ़े होंगे कि चार्ज का फिजिक्स में सिंबल कैसा है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये आज का जो सेशन है पूरा चार्ज के ऊपर होगा, फील्ड पे हम लोग नहीं जाएंगे, चार्ज पे ही रहेंगे आज का वीडियो लेक्चर पे, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं चार्ज का जो है फिजिक्स में सिंबल क्या होता है। चार्ज को फिजिक्स में हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तो आप बता देना इसका ऐसा यूनिट जो है वो कूलम होता है, ठीक है। देखो ये बेसिक चीजें हैं, बट पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इसका नेचर कैसा है, लाइक ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो तीन चीजें आप लोगों को पता चल गया चार्ज के बारे में, चार्ज का सिंबल पता चल गया, ऐसा यूनिट पता चल गया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर ये चार्ज जो है वो एक्चुअली में आया कहां से, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर बना हुआ है तो किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो लेट से मैंने ये एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो एटम के सबसे छोटे से हिस्से को हम लोग, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहां पे कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो प्रोटॉन हमने करा है दैट इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन जो है वो किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो है नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर चार्ज का आपने सिंबल बता दिया, ऐसा यूनिट बता दिया, और किस नेचर का वो भी बता दिया आपने, ठीक है। बट सर इसका जो काम क्या है वो नहीं बताया सर आपने। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आपका काम क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा जो, मैं तो बहुत सारा काम करता हूं, बट मेरा जो मेन काम है वो है फिजिक्स पढ़ाना बच्चों को, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज का मेन काम क्या है, तो इस टर्म को फिजिक्स में बोलते हैं इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि चार्ज का इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बताओगे टू क्रिएट द फोर्स, टू क्रिएट फोर्स। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो क्या होता है, दैट क्रिएट फोर्स, दैट क्रिएट फोर्स। अब तुम बोलोगे सर ये फोर्स किस टाइप का होगा, तो दो तरीके का फोर्स क्रिएट करता है, एक होता है अट्रैक्टिव, दूसरा होता है रिपल्सिव। तो ये कब कब अप्लाई होगा, जब हम लोग लाइक चार्ज रखेंगे ना, जब लाइक चार्ज रखेंगे तो ये कैसा फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव, कैसा करेगा, रिपल्सिव, ठीक है। एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूं, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं आने वाली आप लोगों को, ठीक है। फिर सेकेंड, अगर मैं अनलाइक चार्ज रख दिया तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। बातें क्लियर हो गई, क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले सिंबल बताया, ऐसा यूनिट बताया, स्केलर क्वांटिटी होती है ये बताया मैंने, चार्ज कहां से आया है वो बताया, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये सब बात पता होनी चाहिए, चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, टू क्रिएट फोर्स,
ठीक है। अब फोर्स किस तरह का होगा, रिपल्सिव फोर्स जब लाइक चार्ज रखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स जब अनलाइक चार्ज रखेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वैल्यूज पता करने, जिसका वैल्यूज क्या है, वैल्यूज ऑफ चार्जेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। वैल्यूज ऑफ चार्जेस, तो देखिए एक्चुअली मैं मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1.6 इंटू 10 की पावर में -19 कूलम, ये चार्जेस का वैल्यू है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूंगा प्रोटोन की, अगर मैंने बात करा प्रोटोन का, तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बोला प्रोटोन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करी, तो उस समय जो वैल्यूज हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर में -19 कूलम। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट साइन का चेंजेस हो रहा है, प्रोटोन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। अगर मैंने बोल दिया भैया नेट क्या हो गया, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो, एक पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल आउट करके क्या दे देगा, जीरो, ठीक है। ये तो हो गया वैल्यूज ऑफ चार्जेस। अब मास ऑफ द चार्जेस, ठीक है, इसका भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास वहां पे बढ़ता है घटता है, सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी जो बेसिक बेसिक चीजें ना वो पता कर लो आप, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटोन, तो मास ऑफ प्रोटोन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर में -27 केजी। लर्न कर लेना, सारा कुछ लर्न कर लेना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, कहीं आपको एग्जामिनेशन में चार्ट वर्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वैल्यूज गिवेन दे दिया तो बहुत लकी हो आप, नहीं दिया तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं आपसे, तो 9.1 इंटू 10 की पावर में -31 केजी, ठीक है। ये बेसिकली दो चीज आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे बोल दे भैया मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, इसमें कोई बड़ा डील नहीं है, ठीक है। बट हाँ, यहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, अगर कोई आपसे बोल दे कि सर आप बताइए मुझे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। देखो वैल्यूज तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन से, क्या होना चाहिए। तो देखो सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि सर ये वाला करेक्ट होगा। अब बोलो सर मुझे तो सपना नहीं आया ये करेक्ट हो गया। देखो जरा ध्यान से आप मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम देखोगे, तो देखो 10 की पावर में -27 है, 10 की पावर में -31, ठीक है। तो जिसका सबसे कम होता है ना, ये माइनस का जिसका सबसे कम होता है वो बड़ा होता है, सिंपल सा, ठीक है। तो 10 की पावर में -27 कम है, -27 कम है, डिजिट में 27 कम होता है 31 से, ठीक है, तो इसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। ये ट्रिक याद करके रखिएगा, और ये फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी है ना पूछ दिया जाता है भैया कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं मास ऑफ द चार्जेस, तो हाँ एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहां पे लिख देता हूं मैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द मास ऑफ द चार्जेस। क्या मेजर हम लोग कर सकते हैं, मास ऑफ द चार्जेस, ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने वैल्यूज देख लिया, मास ऑफ द चार्जेस का भी वैल्यूज देख लिया, ठीक है, कौन बड़ा होता है, क्या ट्रिक है वो भी पता कर लिया, और एक इंस्ट्रूमेंट का भी नाम पता कर लिया, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, मास ऑफ द चार्जेस, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका एडिटिव, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, ठीक है। अभी एडिटिव नेचर किस तरीके से, सर एक एग्जांपल देके समझाइए। देखिए सिंपल सा फंडा है भैया, एक बॉडी ले लिए, ठीक है, इस बॉडी के अंदर हमने 10 कूलम रख दिया, -20 कूलम रख दिया, और +30 कूलम रख दिया, ठीक है। तो
तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, ऐड कर लेगा सब अपने आप को, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट नेट हो जाएगा 10 माइनस 20 प्लस 30, तो ये 30 और 10 क्या हो गया, 40 माइनस 20, तो नेट चार्ज हमें मिल गया 20 कूलम। तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है आपका, सेकेंड दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, बट कैन बी ओनली ट्रांसफर हो सकता है, न जनरेट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली ट्रांसफर्ड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज आपको और क्या याद रखना है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है, चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर एग्जांपल देके समझाइए, एकदम एग्जांपल देंगे। एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे दो बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी है, ठीक है, अब ये दो बॉडी में मैंने रख दिया इसमें 10 कूलम, इसमें रख दिया 20 कूलम, ठीक है, ए और बी है। इसको आपस पे मैंने आपस साथ में लाए और फिर अलग कर दिए, साथ में ला करके अलग कर दिए, तो साथ में ला करके अलग करे तो हमने ऑब्जर्व करा कि इसमें जो है वो 5 कूलम है, और तो इस बॉडी में कितना कूलम होगा चार्ज, तो देखो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, देखो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 30 कूलम आ रहा है चार्ज। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसमें भैया जब 5 कूलम गया है तो इसमें कितना कूलम आएगा, रेस्ट 30 में से 5 चला गया तो यहाँ पे 25 कूलम होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो बहुत बार बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्या सर कभी बराबर भी तो हो सकता है, बराबर बराबर भी आ सकता है, कभी कम ज्यादा आ सकता है, तो सर ये लाइक कैसे लाइक डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा वे टू चार्ज वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, वे टू चार्ज वाले कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा कि जब ये शेप साइज और मटेरियल, ठीक है, बोथ ऑफ द कंडक्टर अगर सेम होता है तो फिर सेम सेम चार्ज दोनों में जाएगा, वहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बट एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से भी आप लोग पता कर सकते हो। क्या ट्रिक है, देखिए ट्रिक है, जैसे मान लो हमने 3 बॉडी दे लिया, ठीक है, ट्रिक तो यहीं पे बता देता हूं मैं, फॉर्मूला है आपका कि जितना नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए, जैसे मान लो इसमें Q1 प्लस Q2 अपॉन में नंबर ऑफ बॉडीज, तो 2 बॉडीज था तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बता कर पाएंगे कि इसमें इसमें कितने कितने चार्जेस होंगे। ये तो मैंने सिंपली ऐसे बता दिया कि इसमें 5 है तो उसमें 25 आएगा, तो वो आपको बस ये दोनों प्रॉपर्टी समझाने के लिए बता रहा था। बट अगर कोई आपसे बोल दे कि भैया जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसमें 10 कूलम, इसमें 20 कूलम है, इसमें 30 कूलम है, 3 बॉडी है, ठीक है, अब बोलेगा भैया इसमें दोनों को साथ में लाए और अलग कर दिए, तो बताइए कितना कितना चार्जेस फिर तीनों में होगा। तो वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 3, जैसे ऐड करेंगे 50 60 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये जो आएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी उतना ही मिलेगा, इसमें उतना ही मिलेगा। ठीक है, सेम 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 कब मिल सकता है, कब सेम साइज एंड मटेरियल ऑफ द बोथ ऑफ द कंडक्टर भी सेम होगा। आगे समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो देखो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई भी चीज लाने गए तो तुम 1 लाओगे, 2 लाओगे, 3 लाओगे, 5 लाओगे, ठीक है, उसको तुम फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट। जैसे एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, जैसे एक प्लेट लिया मैंने, ये प्लेट है, ठीक है, अब मैंने बोला इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ चार्ज कितना है भाई, चार्ज बताओ,
ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे सर? Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम चार्ज है सर। ठीक है, तो ये जो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी चार्ज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी चार्ज। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला भैया अब इस बार जो प्लेट है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो भैया बताइए चार्ज कितने होंगे? तो चार्ज कितने होंगे? ये टू तो टू एज इट इज रहेगा। ठीक है, टू एज इट इज आया, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसको किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ई से, इसलिए हो गया क्यू इक्वल्स टू 2e। अगर मान लो तीन इलेक्ट्रॉन बोल देता, पांच इलेक्ट्रॉन बोल देता, तीन इलेक्ट्रॉन बोल देता, तो क्या हो जाता? 3e। आया समझ में? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपका 2e 3e हो रहा है, ये 2e -2e भी मिल सकता है आपको, 3e तो -3e भी मिल सकता है आपको। ठीक है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ऐसे ये बढ़ता गया तो q इक्वल्स टू ne नहीं मिल सकता हमें, अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा दें, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेट पे वो अवेलेबल होगा। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne। आया समझ में? जहां पे n जो है वो क्या होगा, दैट इज इंटीजर मल्टीपल। क्या बोलोगे? इंटीजर मल्टीपल, फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। अगर फ्रैक्शन में आया तो गड़बड़ हो जाएगा। आया समझ में? अब एक और ट्रिक बता देता हूं मैं। अगर आप लोगों का मान लो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्यू इक्वल्स टू आ गया प्लस एनई, क्यू इक्वल्स टू आ गया प्लस एनई, तो उसका मतलब हो गया बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है। तो जब रिलीज होता है तो उस समय क्यू इक्वल्स टू प्लस एनई वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। ठीक है, जब एक्सेप्ट होता है तो उस समय, जब एक्सेप्ट होता है तो उस समय क्या करते हैं, क्यू इक्वल्स टू माइनस एनई का फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं। आ गया बात, क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से, एक चीज याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिलीज कर रहा है, ठीक है, या एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे क्या? उसके मास में कोई चेंजेस होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो है ना। ठीक है, तो जब ये रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो उसका मास जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब एक्सेप्ट कर रहा है तो मास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग। आया समझ में? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एन जो है वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में आया तो हम लोग मतलब कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन है, कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर -18 कूलम बी गिवेन टू अ बॉडी? ठीक है, आंसर यस तभी होगा जब एन जो है वो इंटीजर मल्टीपल में आएगा। अगर एन जो है इंटीजर मल्टीपल में नहीं आएगा तो हम लोग बोल देंगे नहीं, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे? चलिए, फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्यू इक्वल्स टू एन ई। क्यू हमारा दे रखा है 8 × 10 की पावर -18। ठीक है, एन तो हमको फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा 1.6 × 10 की पावर में -19। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 10 की पावर में -19 अपॉन 1.6 × 10 की पावर में -19। ठीक है, तो जब ये -19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से 8 × 10 के पावर में -19 ये हो जाएगा +19। ठीक है, बस यही है, नीचे 1.6। अब ये 0.6 को हटाएंगे तो 10 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 10 × 10, क्योंकि -19 और +19 है तो 1 होगा पावर में। ठीक है, तो 10 ही होगा, नीचे 16, तो 2 जा और ये 2 5 जा 10, तो देखो आंसर कितना हो गया हमारा। तो ये जो 50 आया वो क्या हो गया, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। आगे समझ में, फ्रैक्शन में नहीं आया तो मतलब आंसर हमारा यस होगा।
ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता तो आंसर हमारा नो हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है, दैट इज द वेज टू चार्ज, वेज टू चार्ज। ठीक है, तो तीन तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। पहला जो है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड जो देखना है हम लोग को, डेट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको बोलते हैं देर इज नो फिजिकल कनेक्शन, नो नो फिजिकल कनेक्शन, यहां पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये बेसिकली देखा जाता है इंसुलेटर में। ठीक है, बारी बारी से भी हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए पहला टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक बॉडी हमने लिया, सिंपल सा एक बॉडी लिया, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक कोई न्यूट्रल बॉडी, एक कोई न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में हो, उसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन। जैसे मान लो चार प्रोटोन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को बोलेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के नजदीक लेकर के आ रहे हैं। तो इस बॉडी के नजदीक लेकर के आने से क्या होगा, जैसे इसको इसके नजदीक लेके आ गए, मतलब सटा दिया हमने। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या करा कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब तुम बोलोगे सर आप कैसे कंफर्म है कि दो दो ही आए, इसमें एक आना चाहिए था, इसमें तीन चला जाना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक है, एकदम बिल्कुल हो सकता था और बराबर भी हो सकता था। मैंने क्या बोला, डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा शेप, फिर साइज, फिर मटेरियल। ठीक है, अगर ये तीनों सेम है, दोनों का, दोनों कंडक्टर का अगर तीनों सेम है, शेप साइज एंड मटेरियल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया बराबर बराबर चार्जेस दोनों में जाएंगे। अब वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इसमें चार था, इसमें चार था, इसमें जीरो था, तो क्या करोगे, 4 + 0 / 2, तो क्या हो जाएगा ये 4/2। तो देखो 2 2 दोनों में क्या है ना, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर कब जाएगा, जब सेम साइन मटेरियल सेम रहेगा दोनों कंडक्टर का। आगे समझ में, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन अभी आप लोगों को बोल दिया है यहाँ पे क्या होगा, देयर इज विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, ये होने जा रहा है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बॉडी लिया हमने, ये बॉडी ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटोन जो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर, चार चार ले लिया, तो ये कैसा केस हो गया, न्यूट्रल वाला केस हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, सेकेंड स्टेप में क्या करा, हमने एक रॉड ले आया इसके नजदीक, इस रॉड में क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव को अपने किनारे में इधर चिपका देगा और नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो इधर हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो गया। बेसिकली हमने क्या करा, एक रॉड लेकर के आया इसके नजदीक, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को इधर चिपका देगा और नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा इस रॉड के कारण। ठीक है,
इसके बाद अब हमको पता है कि भैया चार्ज जो है वो तभी हो सकता है बॉडी जब उसपे एक नेचर का चार्ज हो। अगर एक नेचर का चार्ज होगा तभी हम उसको छुएंगे तो हमको करंट लगेगा, आया समझ में? तो अब मेरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि सर इस नेगेटिव वाला पार्ट को हम हटाए कैसे, है ना? अगर हटा देंगे तो बस इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बचेगा, उसको छुएंगे तो हमको कुछ फील होगा, हम समझ जाएंगे कि बॉडी चार्ज हो गया है। तो इस नेगेटिव वाले पार्ट को हटाएंगे कैसे? तो सिंपल सा अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग मतलब ग्राउंड। ग्राउंड करने से क्या हुआ? ग्राउंड करने से क्या हुआ सुन लीजिएगा, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन जो है ना बड़ा चुलबुला टाइप का होता है, जैसे ही उसको थोड़ा सा रास्ता मिला, ये रॉड है अभी, ठीक है? ये रॉड का काम क्या है? पॉजिटिव को पकड़ के रखना, ठीक है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिला तो भागना स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ऑब्जर्व करा? नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ऑब्जर्व करा, अभी भी रॉड है यहाँ पे, ठीक है? हमने ये ऑब्जर्व करा कि अब सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है? अर्थिंग के कारण नेगेटिव चार्ज निकल गया बाहर, ठीक है? अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो अब मुझे बताओ इस रॉड का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है सर, कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं? रॉड को हटा दे रहे हैं, क्योंकि रॉड का तो वही काम था, पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करना, ठीक है? तो अब हटा दिया, अब आराम से इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही हम इसको टच करेंगे, जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो हमको कुछ फील होगा, समझ जाएंगे कि चार्ज हो गया है। तो बताओ इस बॉडी को चार्ज करने में कोई हमने फिजिकल कनेक्शन करा? नहीं करा। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे लिख दो विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। देखो जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को उसका पीडीएफ मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स है मेरा खुद का, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है? चलिए थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ, डेट इज क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है? बड़ा ही सिंपल है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडी लिया हमने, ठीक है? दो बॉडी लिया, अब दोनों को क्या कर दिया? मतलब रब कर दिया। रब करने से क्या हुआ भैया? यहाँ के जो एटम है, अरे भैया दुनिया का क्या बोलो, कोई भी चीज एटम से ही बना हुआ है, ठीक है? तो जब रब करा भैया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा? काइनेटिक एनर्जी दिया, रब कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अब किसमें ट्रांसफॉर्म हो जा रही है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जा रही है किसमें? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब तुमको पता है कि भैया एटम का जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से चुलबुले टाइप के होते हैं, उसको एनर्जी मिला है नहीं कि भागना स्टार्ट। तो जैसे ही उनको एनर्जी मिला, जैसे उनको एनर्जी मिला, तो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भागना स्टार्ट कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि मटेरियल, ठीक है, कि भैया कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है? लेट से अभी हमने मान लिया कि इधर से इधर भागना स्टार्ट करा है, ठीक है? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे? हमने ऑब्जर्व करा कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, आया समझ में? क्लियर है, ठीक है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी आप लोग को बता दिया मैंने। आई होप कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं आई होगी आप लोगों को, नहीं आएगी, क्योंकि अगर आता है तो आप मुझे लाइक डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कॉल करके भी बोल सकते हो कि सर लाइव क्लास लेकर के उस डाउट को क्लियर कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन भी होगा, बट ये एक छोटा सा डेमो था फर्स्ट चैप्टर का, तो ही मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? अब आप लोग को डिसाइड करना है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी वैसे ही चलेंगी, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप लोग कल से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।